यस्त्यपित् विप्रब्रह्मधृप् स कालसूत्रसंजगे नरके अयुतयोजनपरिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपर्यजस्तात् अग्न्यर्काभ्यामजितप्यमाने अभिनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्याञ्च दह्यमानान्तर्बहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि। इससे पहले वाला हो गया ना, हाँ उपरंदन कर दिया था, पक्षी आदि को काटने वाला, पशु पक्षियों को काट के मांस खाने वाला जो होता है वह पुरुषों में अत्यंत पुरुषाद है। तम अपकरुणम, ऐसे महान अपकरुणकारी जो पुरुषादों में भी अत्यंत निंदनीय जो पुरुष होता है वह कुंभी पाक नामक नगर में तप्त तैल वाला कढ़ाई आदियों में जो है रौंदा जाता है, ये वर्णन हुआ था। और जो पिता का विद्रोही है, विप्र विद्रोही है, वेद द्रोही है, पितृ विप्र ब्रह्मध्रुप, जो पितृद्रोही है, जो पिता का द्रोही होता है, जो ब्राह्मणों का द्रोही है, और जो वेद द्रोही होता है ब्रह्मध्रुप, स कालसूत्र संजगे नरक है, वह कालसूत्र नामक नरक में क्या होगा, अयुत योजन परिमंडल है, कितना है 10,000 योजन लंबा चौड़ा ये सब कालसूत्र नामक नरक है। ताम्रमय तप्त खले, ताम्रमय है वो और एकदम समतल है, तप्त है, ऊपर यदस्ता दग्निर का अभ्याम तप्यमाने, ऊपर और नीचे दोनों ओर से सूर्य और चंद्रमा के द्वारा, अग्नि और सूर्य के द्वारा तपाया गया है। अभिनिवेशित क्षुत पिपासाभ्याम, उसके अंदर डाल दिया हुआ वह जीवात्मा क्या होता है, भूख प्यास से दह्यमान अंत वै शरीर, भीतर बाहर से जलता हो उसका शरीर रहेगा, ऐसा और रहता है, सोता भी वहीं है, चेष्टते जपना इधर उधर भगदड़ बचाता है बेचारा बचने के लिए, वहीं बैठना भी पड़ जाता है थक करके, वहीं दौड़ता भी है। यावंत पशु रोमाणी, जिन जिन पशुओं को इसने जो है, जो भी पशु ले लो उसमें जितने रोम हुआ करते हैं उतनी वर्ष पर्यंत उसको एक कष्ट को भोग करना पड़ेगा, कहां, कालसूत्र नामक नरक में। यस्य वै निज देव पथात् अनापद्यपगत पाखंडं चोपगतस् तमसि पत्रवनं प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति तत्र ह असौ इतस्ततो धावमान उभयतो धारैः तालन ताल वनासि पत्रैश्चिद्यमान सर्वांगो हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखंडानुगतं फलं भुङ्क्ते। जो व्यक्ति यस्तु यह इस संसार में रहते वक्त पृथ्वीलोक पर रहते हुए निज वेद पथात, अपने जो वेद में कहा जिसका अपन निज मार्ग है, स्व वर्णाश्रम धर्म का मार्ग को निज वेद मार्ग कहा जाता है, उससे अनापद्यपि, जबकि आपत्काल नहीं था, अनापत्काल रहते हुए भी उस वेद मार्ग को छोड़ दिया और पाखंड को अपनाया है। पाखंडं च भगदः तमसि पत्र वनं प्रवेश्य, तमसि पत्र वन नामक जो नरक उसमें प्रवेश करता है वो, और उसका वहां पर बड़े चाबुकों से खूब पिटाई होती है, कशया प्रहरंती, और चिल्लाता है तरह असो इतस्ततो धावमान, वो इधर उधर भागता है वो पिटाई खाने से बचने के लिए, लेकिन क्या करें, उधर उधर जहां भी वो भागेगा वहीं कांटीले तार लगा हुआ है, वहीं फटता है उसका शरीर है। कहते हैं उभय तो धार ही, दोनों तरफ धार है जिनका, ऐसे जो तालवनासी पत्र ही, तालवनासी पत्र इसलिए उसका नाम ही है ना, तालवन नाम से तमसी पत्र वन है ना उसका नाम था, वहां तालवनासी पत्र ही ऐसे विचित्र साधन लगे हुए हैं जिसके दोनों तरफ धार है, उसके पीछे से भागता है वो, जैसे वो काटते हैं, काटने से उसको दर्द होएगा, छिद्यमान सर्वांग, सारे अंग उसका जो है छेदन को प्राप्त हो रहा है, और चिल्लाता हा हतोसी, अरे भाई मर गया, बचाओ मेरे को, परमया वेदना, महान वेदना से युक्त होकर मूर्छित होता है, पदे पदे निबदती, हर बार गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, यही चलते रहता है उसका बेचारे का, जो कि स्वधर्म का हानि करने वाला है, स्वधर्म त्याग करने वाला और पाखंड को स्वीकार करने वाले का अपने पाखंड स्वीकृत के महान फलों से भोगना पड़ेगा। और फिर भी किसी को इन चीजों का भय ही नहीं, और भागवत कथा कर इस चीज को पाठ ही नहीं करती, जनता के सामने बोलना चाहिए इन चीजों,
कोई नहीं बोलते, हमने आज तक नहीं सुना कभी। कोई कथाकार ये सारे प्रसंग लोप कर देते। अरे सात दिन में यही बोलो ना पूरा, यही सब तो हो ही रहा है, इसी में मनोरंजन में जोड़ दो। अरे नहीं, लालू यादव को लाओ, उसमें क्या दिक्कत है, उसी घोटालों को लाओ, जब जनता का खा रहा है वो, ये जरूर नरक में जाएगा। बोलो, लेकिन हिम्मत नहीं, उनको डर है ये साधु यादव आ जाएगा बंदूक लेकर के फिर पीछे से, है ना। इन लोग बोलने की हिम्मत नहीं, सच्चाई का समस्या तो ये है, सत्य को बोलने की किसी को हिम्मत नहीं है। जनता को सुनाएंगे कैसे, जनता खुश होकर पैसा नहीं देगा, कहेंगे तुम ऐसे कर्म कर रहे हो, तुम सब ये नरक में जाओगे, तो कौन सुन गया, खुश होगा कोई। ये कहना तुम लोगों में से जो भी करोगे वो इस नरक में जाओगे, तो कोई पैसा नहीं देगा, भगा देगा तो कथाकार को, क्या कथाकार, हम सबको पापी साबित कर दिया। यहाँ तो प्रशंसा झूठी करती रहनी पड़ती है, अरे तुम्हारे से कोई भगवान की भक्ति नहीं है, आप जैसे श्रोता ही नहीं मिलेगा, अरे आपके जीवन को धन्य हो गया, आप लोग तर गए, ऐसे ऐसे बोले। कथाकारों का ही काम होता है, तभी कौड़ी मिलती है, खूब माल्टा चढ़ता है। इसलिए कोई नहीं लेता इस प्रकरण को, परम भागवत है। राजा राज पुरुषो वादंडी दंडम प्रणयति ब्राह्मणे व शरीर दंडम सब पापियान नरके अमूत्र सुकर मुखे निपतति तत्र बलैर विनिष्पिष्यमाणावयवो यथैवेह क्षुगु दंड आर्तस्वरेण स्वनयन क्वचिन् मूर्छितः कश्मलमुपगतो यथैवेह दृष्टदोषा उपरुद्धाः। यत्स्तु यः वै राजा सन, जो यहाँ पर राजा होकर या राजपुरुष होकर, वही जरूरी राजा ही करें, ये सब क्या जज पड़े जितने पुलिस वुलिस क्या है, राजपुरुष हैं ये जो कोर्टों के हैं और पुलिस विभाग में है, CBI है, इनकम टैक्स विभाग अलग अलग है, ये अनावश्यक प्रताड़ना कर देते हैं झूठे पैसे खाने के लिए। तो ये जो लोग होते हैं ये सब कहाँ जाएंगे, कहते हैं कि सूकर मुख नाम के नरक में जाएंगे। राजा हो चाहे राजपुरुष हो, आदंडी को दंड दे रहे हो, आदंडीय दंडम प्रणय दी, और ब्राह्मण एवं शरीर दंडम, और ब्राह्मण को जो दंड दिया जाता है वो वैसे राजा या राजपुरुष को अधिकारी नहीं है, केवल ब्राह्मण ही, ब्राह्मणों का एक विशिष्ट विद्वानों का समुदाय बिठाना पड़ता है, वो तय करेंगे उस ब्राह्मण को क्या दंड है। दंड यही देते हैं, पहले जान ब्राह्मणों का दंड यही होता था, भाई इसको आप जो है ऋत्विक कर्म के लिए बहिष्कार कर दो, हुक्का पानी बंद, आज की भाषा में क्या है, हुक्का पानी बंद कर दो, मैंने इसको कोई ऋत्विक कर्म एक साल तक जो है नहीं लिया जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाए, और पूरे गाँव में कोई भी व्यक्ति जो है इस ब्राह्मण के घर में जाकर भिक्षा नहीं पाएगा, ये सब इस तरह की चीजें डाल दे, ये मानसिक प्रताड़ना। ब्राह्मण कि अपना जो विद्या का जो अभिमान के कारण से जो गलत कर दिया है उसके विद्या अभिमान को तोड़ने के लिए उसको जो है उपेक्षा कर दिया जाता है, तिरस्कार कर दिया जाता है, अनादर कर दिया जाता है समाज के द्वारा, बस यही उसके लिए दंड है, उसको हाथ पैर तोड़ना पीटना पाटना नहीं दंड। स्वयं ब्राह्मण वर्ग दूसरे ब्राह्मण को दंड नहीं दे सकता, राजा राजपुरुष कहां से दे देगा, क्योंकि ब्राह्मण में उसको भूदेव माना, सारे देवता लोग उस ब्राह्मण के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन उस ब्राह्मण की बात है, उस क्वालिटी वाला भी हो, वो क्वालिटी होनी चाहिए, रसगुल्ला रसगुल्ला है, लेकिन वो क्वालिटी कहाँ है, है? सब बराबर थोड़े हो जाए, चबाने पड़ते हैं, इंजॉय करने पड़ते हैं, आज के रसगुल्ला तो ऐसे मिल रहे हैं, वो क्या फायदा, नाम मात्र रह गया, ऐसे ब्राह्मण नाम मात्र रह गए, किसी के ना गायत्री जप है, ना संध्या है, ना समय पर कुछ होता है, सब परमादि है, उठते ही लेट तो कहाँ से कर पाओ, प्रमाद ही है ना, इसी को प्रमाद कहते हैं। समझ, एक घंटे पहले उठो, एक घंटे पहले सो जाओ, क्या जोड़ते 12 बजे गप्पे मारो इधर उधर, और उठोगे बस सब 5-6 बजे, मुंह धोया सीधा प्रार्थना पहुंच गए, ना धो के नहीं, ये सब जो दोष है ना, मुंह भी धोते नहीं है, ये बात सही है, मुंह भी नहीं धोते हैं सीधे आ जाओ। तो ये सब जो है पाखंड है, गलत है, ऐसे ब्राह्मणों व शरीर दंडन सब पापियान व महापापी है, वो इसे नरके सुकर मुखे अमूत्र नरके, ये जो ऊपर में जो रहने वाला विशिष्ट नरक है सुकर मुख नाम का नरक, उसमें वो जाके गिरता है, तत्र वहां पर क्या है, अति बली मान बलशाली लोग है, उसको जो है इधर से उधर करके जो है निष्पिष्यमाणा वो पीस डालते,
इसके एक एक हाथ पैर को इधर से खींचेगा उधर से खींचेगा तोड़ फोड़ कर देगा उसको, सब पीस डालते हैं। यतई भैया इक्षुद्धि से आप करते हो क्या, गन्ने को खाते हो एक एक यूं कर यूं क्या खींच खींच के, नहीं बेचारा कितना दर्द होता होगा उसको, है निर्दयता पूर्वक बड़े मजे में आप जो चाव देते हैं उसको, वैसे वहां लोग जो है ना महान बलशाली आपको चाव डालेंगे। यह इक्षुधन खंड आर्त स्वरेण स्वरेण, देखो आर्त स्वर के द्वारा बड़ी पीड़ा युक्त स्वर के द्वारा शब्द करता हुआ, क्वचित मूर्छित हो, जब ऐसा वहां पीड़ा दे रहे हैं वो उसको मूर्छा हो जाता है। कश्मलम उपगतो, कश्मल मोह उपगतो, मोह को प्राप्त होता है, रोता है वो मोह को प्राप्त, अरे क्या मैंने पाप किया था, क्यों मेरे को ऐसा दंड मिल रहा है, ऐसा दुखी होता है। ये तो ये वही अदृष्ट दोष पर उत्ता, जैसे यहां पर भी अदृष्ट दोष के कारण से लोग उपरोध हो जाते हैं, पति मर जाता है पत्नी रोई जाती है, कहीं पति मर जा पत्नी मर जाती पति रो रहा है, ये धंधा चलते रहते। जैसे यहां पर भी अदृष्ट दोषों के कारण से विभिन्न प्रकार मोह को प्राप्त रोता हुआ आदमी दुखी रहता है, उसी प्रकार वहां पर भी रहता है। यस्य वै भूतानाम ईश्वरोपकल्पित वृत्तीनाम अविविक्त पर व्यथानाम स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिर विविक्त पर व्यथो व्यथाम आचरती सब परतांधकूपे तदपि द्रोहेण निपतति तत्र असौ तैर्जन्तुभिः पशु मृग पक्षी सर सर्वैर मशक व्यूका मत्कुण मक्षकादिभिर एके च विद्रुग आस्तैः सर्वतो अभिद्रुह्यमानः तमसि विहत निद्रा निर्वृतिर अलब्धावस्थान परिक्रामति यथा यथा कुशरीरे जीवः यस्तु वै भूतानां ईश्वरोपकल्पित वृत्तीनां। जो मच्छर मारते हैं खटमल मारते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, हो मच्छर खटमल वगैरह को मारने वाले वो लोग किस नरक में जाएंगे वो वर्णन करने जा रहे हैं, कि उनका स्वभाव है, मच्छर का स्वभाव है, आप काट के आपको खून लेना उसका भोजन है और आप उसको मार डाला, अरे वो अपना भोजन खाने है उसकी हत्या कर दोगे, आप कहीं भोजन करने गए वहां की हत्या कर दी जाए अच्छा है, है? खटमल भी ऐसे ही उसका भोजन है ना खून पीना, छोड़ो जाओ बने आपकी मर्जी, या उसको भगाने का उपाय करो लेकिन मारो मत हत्या मत करो, वो दवाई नहीं डालना जिसकी हत्या हो जाए उसका, भगाने की दवाई डालो वो ठीक है, इस मच्छर को रोकने के आपने जालियां लगा दी ये ठीक है, मार नहीं रहे ना भाई, उनके प्रारंभ में हमारा खून पीना ही है यदि तो कहीं ना कहीं से आई जाए वो नीचे से आ जाएंगे और खा के जाएंगे, क्या करोगे आप, इनके प्रारंभ में नहीं है तो आप इनसे रक्षा कर लीजिए अपने आप। लेकिन यार ठीक है ना, लिखा है दाने दाने पर खाने वाले का नाम, उनके भी तो दाने लिखे हैं, इतना यहाँ यहाँ का इतना खून मच्छरों को पीनी है तो आप ट्रेन में जा रहे वहां पी जाएंगे, बस में बैठे वहां पी जाएंगे, कहीं बगीचे में घूम रहे वहां पी जाएंगे, लेकिन आपका तो वो कोटा तो लेके ही जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उनको लेने दो चुपचाप, उनको मारो मत, क्योंकि भगवान ने उनका स्वभाव ही ऐसे बनाया हुआ है, वो आपकी किसी पाप दोष ऋणों को मुक्त करने के लिए आया हुआ है, वो तो ऋण ले जा रहे ब्याज सहित, इसे उसको मारोगे वो उचित इसे कहते हैं ईश्वर उपकल्पित वृत्ति नाम भूतानाम, ईश्वर से ही कल्पित वृत्ति, उनकी वृत्ति ऐसी है दूसरे को व्यथा देकर के अपना पानी खाना खाना रोटी पानी खाना, दूसरे को इंजेक्शन देकर के खाना, ये उनका जो है स्वभाव बना रखा भगवान ने, उनकी जीविका ही ऐसी चलेगी। वृत्ति नाम अविविक्त पर व्यथाना, कि उन्हें समझ में नहीं है इसे हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, ये उनकी वो समझ भी नहीं होती है, लेकिन आपकी तो समझ, आप तो बुद्धिमान हो, आप एक जीव को मार रहे हो, मनुष्य तो बुद्धिमान है, उसको तो विवेक नहीं है। अविविक्त पर व्यथानाम, लेकिन स्वयं पुरुषो उपकल्पित वृत्ति, जो स्वयं कैसा है पुरुषोपकल्पित वृत्ति आपकी अपनी है, विविक्त पर व्यथो, आप समझदार हैं, आपको मालूम है मैं मच्छर को मार रहा हूं ये इसकी हत्या हो जाए मर जाएगा, उसकी व्यथा को समझ सकते हो आप, फिर भी अपनी कथा के चक्कर उसकी व्यथा पर ध्यान नहीं देते हो, व्यथा हम आचरती फिर भी उस पर व्यथा का आचरण कर देते हैं। स परत्र अंधकूप है, वो मरने के बाद अंधकूप नामक नरक में चक्की गिरता है कि नहीं, यही तो हो रहा है, पता नहीं वो सब आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आप भी जाओगे वहां अंधकूप नरक नरक में जाओगे, वो सब आपकी इंतजार कर रहे हैं आपके स्वागत करने के लिए, फूल की मालाओं को लेकर नहीं बड़े बड़े दाढ़ों के साथ आ रहे हैं।
तद अविद्रोहेण निपतति, उसके उन्हीं के विद्रोह के कारण से ही वह गिर रहा है। तत्र असौ तैर जंतु भी, उन्हीं जंतुओं के द्वारा, कौन जंतु, जिन पशुओं का आपने मारा, मृगों को, पक्षियों को, सरीसृपों को, मशक, यूका, मत्कुण, मक्षिका आदि भी, ये केच विद्रुग्धाः, जिनके द्वारा, जिनको आपने पहले विद्रोह किया था, तैरेव उन्हीं जंतुओं के द्वारा सर्वतो विद्रुह्यमान, चारों तरफ से वो आप क्या करेंगे, आपको मारने गए, आपने अपने समय में मारा और उनको अब समय मिल गया, वो अपने मार रहे हैं अभी। तमसि विहत निद्रा निर्वृति, घोर अंधकार है, वहां निद्रा भी नहीं, बताओ कम से कम अंधकार में आदमी आ जाए तो सो जाता है, वहां निद्रा तक भी आने नहीं, चारों तरफ से वो लगे रहते, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से। और तिरुपति बालाजी गए हम लोग, वहां एक कमरा मिला, कमरा मिला तो क्या, 5 मिनट नहीं हुआ, लेटे हुए ही नहीं, चारों तरफ से लाखों की संख्या में भाई खटमल, लाखों की संख्या। बाप रे, जब उठ गए देखा था, ये सफेद चादर लगाया था, कहां सी चादर, ऐसे कैसे हो गया, पूरा लाल काला पीला दिख रहा है, घूम रहे हैं। सोचा कि साला इनको बहुत दिनों से भूखे हैं, इनको भंडारा मिली ही नहीं, आज इनको भंडारा मिल गया है, है? और फिर हमने सोचा भाई हम कभी भंडारा खाते नहीं, हमारा खून पी के क्या करो, अरे भंडारा खाने वाले महात्मा को भेजूंगा, अब हमारा खून पीने से कोई लाभ नहीं होगा, इसमें कोई दम नहीं, ये तो डायबिटीज की बीमारी है, अब ये खून पियोगे तुम्हारा कोई डायबिटीज हो जाएगा, है ना, खून झाते वो भी तो डायबिटीज हो जाएगा बेचारे को, हमने नहीं नहीं ये पाप हो जाएगा, फिर उल्टा पाप हो जाएगा, तुमको भोजन भी खिलाऊं और डायबिटीज बीमारी भी दे दूं, ठीक नहीं है, इसलिए हमने कहा हम तो यहाँ पर नहीं सोएंगे, तुम भूखे भले रहो और 4 दिन, हम तो जाएंगे यहाँ से। हमने खाली करा कमरा, वरांडे में सोया, और रामपाल जी थे वो सोए थे, मैंने कहा रामपाल जी आप और देर सो, बहुत तुम खाते हो ना माल ठान, बहुत खाते हो, सब आरटीओ वाले बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत खाते हो बादाम बुदाम, तो बैठे रहो, बैठे रहो कुछ देर, तुम खून दो इनको, उसके बाद आना बाहर, उनको जबरदस्ती लेटा दिया 5, हाँ बोले नहीं होंगे आप, वो क्या उन्हें मैंने बोला, वो करीब आधा घंटा उनको सुलाया हुआ जबरदस्ती, नहीं सो यहीं पे, अरे तो कुछ पाप तो घटाओ, मौका मिला है तेरे को, हम तो भंडारा खाते नहीं, माल तो छकते नहीं, तुम तो माल छकते हो, तुम दो कुछ दान पुण्य करो, और पुण्य करो ना करो, कम से खून दान तो करो इन देवताओं को, आधे घंटे वाला तो ऐसे खड़ा हो, हाथ जोड़ने लगा महाराज आने दो बाहर, मैंने कहा जाओ अब सो जाओ, मैंने कहा ये है अंधकूप नामक नरक, यही है बाहर थोड़ी है, ये अंधकूप नामक नरक में इकट्ठे मिल गए थे सब। अब बाद में भी बाहर आया वो चादर ओढ़े, चादर में घूमे हुए, वो चढ़ गए साथ, सूटकेस में घुस गए, क्या करोगे, झाड़ते झाड़ते सब मेरे साहब के भाई कहीं जहाँ जाएंगे वहीं पहुंच जाएंगे ये तो साथ साथ, इसलिए यही झाड़ दो इनको, यही छोड़ दो, बड़ा मुश्किल से निकल आए वहां से, अभी पिछले 2 साल पहले की बात। तो ये है अंधकूप नामक नरक का आनंद है, परिक्रा देता कुशरीर जीवा, जैसा कुशरीर में भ्रमण कर रहा है, बारंबार भटक रहा है, वैसे वो भी भटकते रहता है। तमसि विहत निद्रा निर्वृति, अलब्ध अवस्था, कोई चैन से बैठने के स्थान तक नहीं मिल रहा है, जहां जहां वही सैकड़ों की संख्या में है। ऐसे वो चैतन्य गिरिजा महाराज जी सुनाए थे, वो पंढरपुर गए थे, वहां की कैसेट में वो बताए हुए हैं, कि वो कह रहे थे ऊपर से टपक रहे थे, और उन्होंने दृष्टांत क्या दिया, वो कभी कुल्लू मनाली गए होंगे, वैसे कुल्लू में एक बार हेलीकॉप्टर आ गया, तो जितने पहाड़ी लोग थे वो सब, कोई एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, बाहर दबा कर दौड़े दौड़े आ रहे हैं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, वैसे ही इनको मिल गया, मैं एक हेलीकॉप्टर मिल गया, चारों तरफ से गिर रहे टपक टपक, चार तरफ से भंडारा खाने लग गए। ऐसे से जितने तीर्थ स्थल है, धर्मशाला है, सब यही हाल है। शरीर जीव यस्ति हवा असंविभज्य अश्नाति, ये लालची का बात आ गया, लालची है, कंजूस है ना, कंजूस है, मक्खी चूस है, इन लोगों को बता रहे हैं। यस्ति हवा असंविभज्य अश्नाति यत किंचन उपनतम अनिर्मित पंचयज्ञ वायस सुता सब परत्र कृमि भोजन नरकाधमे निपतति तत्र शत सहस्र योजने कृमि कुंडे कृमिभूत स्वयं कृमिरेव भक्षमाणः
ಕ್ರಿಮಿ ಭೋಜನೋ ಯಾವತ್ತದ್ ಅಪ್ರತ್ತ ಅಪ್ರಹುತಾದೋ ಅನಿರ್ವೇಶಂ ಆತ್ಮನಂ ಯಾತಯತೆ ಯಸ್ತ್ವಿಹವಾ ವೈ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪೇಣ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ಪರ್ ಅಸಮಿಚ್ಯ ಸ್ನಾತಿ ಜಿನ್ಕೋ ಜೋ ಹಿಸ್ಸಾ ದೇನಿ ಚಾಹೆ ಉನ್ನೇ ದಿಯೆ ವಿನಾ ಯೇ ಖಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಉಪನತ ಉಪನತಂ ಅನಿರ್ಮಿತ ಪಂಚಯೋ ಯತ್ಕಿಂಚನ ಉಪನತಂ ಜೋ ಕುಚ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಮಯ ಪರ ವಿಭಾಜನ ಕಿ ವಿನಾ ಯೇ ಖಾ ಪಿ ಜಾತಾ ಹೈ ಆರ್ ಅನಿರ್ಮಿತ ಪಂಚಯೋ ವೈಶ್ವಾನರ ಬಲಿಯಾ ಜೋ ಪಂಚಯೋ ಹೋತಾ ಭೂತ ಬಲಿ ಉಸ್ಕೋ ದಿಯೆ ವಿನಾ ಯೇ ಖಾ ಜಾನೆ ವಾಲಾ ಆದ್ಮಿ ಕೌವೆ ಕೆ ಸಮಾನೆ ವಾಯಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ ಪರತ್ರ ಕ್ರಿಮಿ ಭೋಜನ ನರಕಾದಮೆ ಕ್ರಿಮಿ ಭೋಜನ ನಾಮಕ ನರಕೋ ಮೇ ನಿಕೃಷ್ಟ ನರಕ ಮೇ ಜಾಕೆ ವೋ ಗಿರ್ ಜಾತಾ ಮರಣೆ ಕೆ ಬಾದ್ ವಾ ಪರ ಶತ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನೆ ವೋ ಕಿತನಾ ಹೈ ಏಕ್ ಸೌ ಹಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಲಾಖ ಯೋಜನ ಲಂಬಾ ಚೌಡಾ ಹೈ ವಹ ಬಹುತ್ ಬಡ ಕ್ರಿಮಿ ಕುಂಡ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ ಬಡ ಕ್ರಿಮಿ ಕುಂಡ ಏಕ್ ಲಾಖ ಯೋಜನ ಲಂಬಾ ಚೌಡಾ ಕ್ರಿಮಿ ಕಾ ಕುಂಡ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಕ್ರಿಮಿ ಹೋಕರ್ ಕೆ ಅವ್ರ ಖಾಯೇಗಾ ಕೌನ್ ವೋ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಹೀ ಖಾತೆ ರಹೇಂಗಿ ಉಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಹೀ ಉಸ್ಕೋ ಖಾನೆ ವಾಲೆ ಹೋ ಜಾತೆ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಅಂದರ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿ ತೋ ಹೈ ಔರ್ ಹಮೇ ಜೋ ವಿಭಾಜನ್ ಕರ್ಕೆ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೋ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಔರ್ ಆಪ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಬಿನಾ ವಿಭಾಜನ್ ಕಿಯೇ ಬಿನಾ ಭೂತ ಬಲಿ ಆದಿ ದಿಯೇ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೋ ಖಿಲಾ ದಿಯಾ ಅಬ್ ಕ್ರಿಮಿ ನರಾಜ್ ಹೋ ಗಯಿ ಇಸಿಲಿಯೇ ಕಹೆ ಕಿ ತುಮ್ನೆ ಜೋ ಬಡಾ ಗದ್ದಾರಿ ಕರಿ ಹಮಕೋ ಐಸೆ ಕ್ಯೋ ಖಿಲಾಯೇ ಭಾಯಿ ದೋ ನಂಬರಿ ಕ್ಯೋ ಖಿಲಾತೆ ಹೋ ಗಯಾ ದೋ ನಂಬರಿ ಭೋಜನ ಹುವಾ ನಾ ಜಬ್ ಭೂತ ಬಲಿ ದಿಯೇ ಬಿನಾ ಸಮಯ ವಿಭಾಜನ ಜನಕೋ ಜೋ ಹಿಸ್ಸಾ ಕರ್ನಾ ಚೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸಮ ನಿಯಮ ಹೈ ನಾ ವೋ ಹಿಸ್ಸಾ ದಿಯೇ ಬಿನಾ ಯದಿ ಖಾ ಲೇತಾ ಹೈ ವೋ ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೋ ಖಿಲಾ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಆಪ್ನೆ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೋ ದೋ ನಂಬರಿ ರೋಟಿ ದೇ ದಿಯಾ ಇಸೆ ಕ್ರಿಮಿಯ ವಾಪರ ನಾರಾಜ್ ಹೋ ಗಯೆ ವೋ ಮೌಕಾ ಢೂಂಡ್ ರಹೇ ಯೇ ಸಾರಿ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ವೋ ಕ್ರಿಮಿ ಕುಂಡ ಮೇ ಜನ್ಮ ಲೇಂಗೆ ಔರ್ ಆಪ್ ಭೀ ಮರಣೆ ದಿವಸ ಕ್ರಿಮಿ ಕುಂಡ ಮೇ ಪಹುಂಚೆಂಗೆ ಆ ವೋ ಕ್ರಿಮಿ ಕುಂಡ ಆಪ್ಕೋ ಖಾನೆ ಲಗ ಜಾಯೆಂಗೆ ಅರೆ ತು ದೋ ನಂಬರಿ ಹಮಕೋ ಖಿಲಾಯಾ ಏಕ ನಂಬರಿ ಅಪ್ನಾ ಲೂಟಾ ಹೈ ಇಸ್ ಆಪ್ ತುಮಕೋ ಹಮ ಖಾತೆ ಏಕ ನಂಬರಿ ಖಾಯೆಂಗೆ ವೋ इसलिए क्योंकि इसके अंदर पूरा क्रिमिया तो है अमीबा बोलते हैं अमीबा वगैरह तो बना हुआ है शरीर में है क्या क्रिमियों का है शरीर है क्रिमिमय शरीर है वास्तव में इसलिए कहते हैं वो कृमि भूत होकर के रहता है स्वयं और क्रिमियों के द्वारा ही खाया जाता है कृमि भोजन हो क्रिमियों का भोजन हो जाता है यावत तद अप्रत अप्रहुता दो जितने उसके पाप का नाप होता है भक्ष्यादि को उपनतम प्राप्त जो जब तक कैसा है वो अप्रत्य माने असमयभक्त अप्रहुत अति जितने वो खाया था उसी के नाप के मुताबिक अनिर्वेशम आत्मनम यातयते अनिर्वेशम जिसको कोई और रास्ता ही नहीं अनिर्वेश ने अकृत प्रायश्चितम जिसे उनका प्रायश्चित भी कभी नहीं किया ऐसे जो लोग हैं वो लोग जो है अवश्य शरीर को यातना प्रदान कर लेंगे भले जिन साल भर संध्या करो न करो ढंग से हैं साल भर ये सारे काम करो न करो उपाकर्म संस्कार विधिवत करना चाहिए उपाकर्म संस्कार होता है ना कब होता है ये मालूम नहीं कब किया फिर तो जिंदगी ऐसे बेकार हो गई श्रावणी पूर्णिमा श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन जो राखी पूर्णिमा आप लोग कहते हैं उसी दिन उपाकर्म संस्कार होता है आप उसको पढ़ोगे ना संकल्प उपाक्रम कर्म का जो संकल्प है पढ़ो तो मालूम होगा उसमें सारा गिनाया है जितने भी ज्ञात अज्ञात जितने भी पाप आप सोच भी नहीं सकते कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे ऐसे पापों का वर्णन किया है इन सगल पाप जो मेरे काया वाचा मनसा हुआ है उन सब का नाश करने के लिए ही आज मैं यह गंगा जल में खड़ा होकर यह उपाक्रम संस्कार कर रहा हूं यह संकल्प होता है पूरी लंबी संकल्प है संकल्प का पाठ करने में 15 मिनट लगता है इतना लंबा चौड़ा है 8 पन्नों में भी लिखा हुआ है हाँ? कोई भी हो जितने जनऊधारी हैं सबके लिए जिसके पास भी जनऊ चोटी है उन सब चाहे ब्राह्मणों के क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो या कुटचक्रादि जो त्रिदंड सन्यासी लोग जिनका जनऊ रहता है उनको भी जब तक जनऊ है तब तक आपको उपाक्रम संस्कार प्रतिवर्ष करनी चाहिए यह सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है गृहस्थी को और ब्रह्मचारियों को जो कि संपूर्ण वर्ष में अकृत कर्मों का पूर्ण दोष निवृत्त हो जाता है दिन भर कुछ ना खाएं पिए तो दूध फल पर रहे और सूर्यास्त के बाद में भी सेवे सेम सेमी सेमी जो कहते हैं उसको जो है मीठा बना के खाना पड़ता है
सेमी का गुड़ में मीठा, चीनी से नहीं, गुड़ की चाशनी, पहले उसको अलग से बाफ में पकाना, पानी में नहीं पकाना है, बाफ में पका करके उसको फिर गुड़ की चाशनी में उसको थोड़ा सा मिला करके उसको खा के सोना है। अगला दिन जब सूर्यार्घ दोगे उसके बाद ही उपाकर्म संस्कार की पूर्णता होता है, तब वो अन्न खा सकता है। ये विधि है उपाकर्म संस्कार। इसको कितने ब्राह्मण यहां कर रहे हैं है? फिर अपने आप ब्राह्मण किस बात के अहंकार कर रहे, झूठे है ये, नहीं गलत है ना, ये तो पाखंड में है इसका मतलब। ये सब करना चाहिए, जितने चिन्हधारी ब्रह्मचारी लोग, जात पात कुछ नहीं, क्षत्रिय वैश्य सबको करना है ये चीज, उपाकर्म संस्कार। और ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ त्योहार माना है उपाकर्म, वैश्यों का श्रेष्ठ त्योहार दिवाली, क्षत्रियों का श्रेष्ठ त्योहार दशहरा विजयदशमी, शूद्रों का श्रेष्ठतम त्योहार जो आज सबका प्रिय त्योहार है होली, ये शूद्रों का त्योहार है। और आज ब्राह्मण क्षेत्र में सब करते हैं, ये सब शास्त्रों में स्मृतियों में व्यवस्थित चीज हो रहा है। आजकल कोई किसी धर्म का ज्ञान ही नहीं, सब उल्टा पलटा काम चल रहा है। इसलिए वो कहते हैं जिसने निर्वेशम ने प्रायश्चितम, जिसने अनिर्वेशम, जिसने कभी प्रायश्चित किया ही नहीं है, ऐसे लोग जरूर इस नरक में जाएंगे और कृमि बनेंगे और कृमि भोग प्राप्त करेंगे। यस्त्यो वैस्तेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादिनी ब्राह्मणस्य वा अपहरति अन्यस्य वा अनापदि पुरुषस्तम अमुत्र राजन्यम अपुरुष अयस्मैर अग्निपिंडैः संदंशैस्त्वचि निष्कुशन्ति। यद्यपि यहाँ भी आप देखेंगे इसमें त्रिवेणी घाट पे मनाया जाता है उपाकर्म संस्कार होता है, गीता भवन वाले भी मनाते हैं, जयराम आश्रम वालों के सारा खर्चा वो देते हैं, आयोजन गीता गंगा समिति से होता है। श्रावणी पूर्णिमा, अरे कितने बार बोल दिए श्रावणी पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा सुने नहीं, श्रावणी पूर्णिमा का दिन होता है। सामूहिक तौर से भी व्यवस्था होता है, जो व्यक्तिगत इतना बैठ के इतना सारा खर्च करने के लिए सामर्थ्य नहीं है वहां जाए, सामूहिक में शामिल हो जाए। यदि वहां पर भी हमने पता चला था कि ये जो संकल्प करते हैं अधूरा ही करते हैं, पूरा बोलते भी नहीं, त्रिवेणी घाट वाले हमने पता लगा तो एक आते हैं जयशंकर शर्मा, जो अग्निहोत्री जी सुधाकर अग्निहोत्री जहाँ बैठते हैं मुख्य आचार्य बन के बोलते हैं, मैंने कहा कि आप उनसे लाओ संकल्प का वो जो पुस्तक जी सागर पर बोलते हैं, उन्हें फोटोशेट कॉपी लिया, मैंने कहा ये अधूरा है, मैंने उनको दिखाया लाइब्रेरी से निकाल कर, चतुर्भुज चिंतामणि मेरे पास रखी है इसमें से देख लो आप, वो देख कर घबरा, बाप रे बाप इतना लंबा चौड़ा इतना सारा दोष होते हैं हमारे द्वारा, अरे होते अभी सब दोषों की निवृत्ति है, वो संकल्प ही पूरा नहीं पड़ते हैं तो क्या, जितना पढ़ा उतना लाभ तो होगा, उतरे गए तो प्रायश्चित हो गया। फिर उन्हें यहाँ से हम सब उसे सब लिख करके ले गए उनको दिया, पिछले साल की बात है, तो उनको कहा कि ये पूरा संकल्प है जाओगे पास वो अधूरा, इस साल से जाकर के वहां पूर्ण संकल्प पाठ किया है उन्होंने, ये जरूर करना चाहिए। हम लोग तो अपने घर घर में करते थे, वहां दक्षिण भारत हम लोग के घर में होता था, खर्च करते थे वो लोग, क्योंकि हम लोग का मुख्य त्योहार ही, हम लोग खर्च नहीं करने तो किसमें करेंगे, दिवाली में करेंगे फटाखों में, सिर्फ मूर्खे बोलते थे फटाखों में खर्च कर रहा पैसा, हम लोग कभी फटाखे तरफ फोड़े ही नहीं, इसमें खर्च होते थे, पूरा सामग्री ला के सब विधि विधान करते थे। ये जरूरी है, इसके बिना संस्कार व्यक्ति का अंतकरण शुद्धि जो होनी चाहिए, दिन दैनंदिन पाप है उसको दूर नहीं कर सकोगे, इसलिए आवश्यक चीज है। तो यस्त्रीह वैस्तेन बलाद्वा, चोरी से या बलपूर्वक हिरण्य रत्नादियों को ब्राह्मण कहो अपहरण थी, अन्य सिवा अपहरण थी, चाहे ब्राह्मण का धन दौलत को लूटा चाहे अन्य का धन दौलत लूटा है, लेकिन वह भी कब, अनापदी आपत्काल में लूट ले तो कोई आपत दोष नहीं है, चोरी करना कोई दोष नहीं है, लेकिन आपत्काल में कर रहा है तो अपना जीना मरने की मुसीबत आ गई है, बेटी का शादी में मुसीबत आ गया है, धन दौलत नहीं है, कहीं से चोरी करके भी लाता है तो दोष नहीं है, लेकिन आपत्काल हो तो गले गले घंटी फंस गई तब, अन्यथा नहीं, जीने मरने का सवाल हो जाए, प्रतिष्ठा का सवाल हो गया और कोई रास्ता नहीं आपके पास, कर्जा भी प्राप्त नहीं हो रहा किसी प्रकार से कहीं से, उस स्थिति में चोरी करना भी दोष नहीं, कहते अनापदिच्छेद, अनापत काल में होते हुए भी यदि चोरी करता है इस तरह से ब्राह्मण के यानी किसी भी पुरुष का, पुरुष तम, ऐसा जो पुरुष होता है उसको
राजन्यम अपुरुषा, ऐसा जो उसको क्या हम कहेंगे, कहते हैं कि भाई राजन्यम, वो भी कैसा है, क्षत्रिय बंधु है, ऐसा जो क्षत्रिय बंधु है उसको अमानवीय पुरुष लोगों ने अयस्मयी अग्निपिंड ही लोहोमयी अग्निपिंडों से उसको आर पार कर दो, गरम गरम सलाखे बनाएंगे और सलाखे से उसका शरीर को आर पार छेद देंगे, फिर निकाल देंगे, फिर गरम करेंगे, फिर छेद देंगे, ऐसे ही करते रहिए। हैं ब्राह्मण की नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण की कोई चोरी ना कर ले, ब्राह्मण चोरी कर सके, ये इसका मतलब नहीं होगा ना, ब्राह्मण को भी कभी नहीं चोरी करना चाहिए। हाँ नहीं, उनको दंड ज्यादा मिलेगा, उल्टा बोल रहे हो, उत्तर उत्तर दंड अधिक होते जाता है। ये तो युधिष्ठिर की वो युवराज की परीक्षा में हुई थी, सबको बराबर दंड दे दिया था दुर्योधन ने, तब युधिष्ठिर का नहीं हो सकता, शूद्र निर्दोष है, उसको कम दंड होगा। एक हत्या का प्रसंग उठाया ना वहां पर, युवराज की जो है प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई थी उसमें, मैंने कहा वैश्य को ज्यादा दंड मिलेगा कि उसने पैसा का लोभ देकर के इसे कराया है जबरदस्ती, उससे भी ज्यादा क्षत्रिय रक्षक हो जो भक्षक बन गया उसको दंड मिलेगा। ब्राह्मण के रखते मैं दंड फैसला नहीं करता, इसका फैसला सबसे भयंकर जो खोपड़ी प्लानिंग करके मर्डर करने का पूरा जाल साज बिछाने वाला ये ब्राह्मण है, इसलिए इसका सबसे बड़ा इसमें जो है योगदान है, इसका सबसे महान दंड होगा, वह दंड तय ब्राह्मण लोग करेंगे। द्रोणाचार्य जी को कहा कि ये लोग तय करेंगे, ब्राह्मण से जो गलती होती है उसका दंड तो सबसे बड़ा दंड होता है, अन्यों से किए जाने वाले गलतियों का दंड कम होता है, क्यों, ब्राह्मण शास्त्रज्ञ धर्मज्ञ है, वो गलती कर दिया उसके चक्कर में क्या होगा, सारी दुनिया गलती कर देती है। अरे उन्होंने कर दिया, श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो पुरुष कर रहे हैं, यदि देवाचर श्रेष्ठ जनाहा, लोग क्या देखेंगे, समाज में श्रेष्ठ ब्राह्मण गलत कर रहा है तो लोग कह रहे वो दारू पी सकते, हम क्यों नहीं पी सकते, ये तो सत्यनाश हुआ है, ब्राह्मण लोग दारू पीने लगे, ब्राह्मण लोग बीड़ी सिगरेट पीने लग गए, वही नतीजा सब करने लगे। अब कौन नियंत्रण करे, पहले समाज का गुरु था, नियंत्रक वो था, और ब्राह्मण का भय भी थी, ये दंड दे देगा, शाप दे देगा, अब शाप देते रहो कोई फर्क तो पड़ने वाला है, वो दम नहीं ना, कारण क्या है, स्व आचरण स्वधर्म का आचरण का अभाव। इसलिए कहते हैं दोनों तरफ, ब्राह्मण का चोरी न करें और ब्राह्मण खुद भी न करें, और ब्राह्मणों के स्वभाव में कहा गया अस्ति, अहिंसा अस्ति वगैरह क्या है, ब्राह्मण के स्वभाव में गिनाया गया, इसीलिए यदि वो भी अपने स्वभाव को त्यागता है वो तो शूद्र से भी अधम हो गया। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि सारे चित्रों के ये सब क्या, राजन्यम अपुरुषा ये अग्निपिंड ही संदंश ही, ऐसे संदंश होंगे, और चिमटिया भी ऐसे बना रखा है, चिमटा होता है पकड़ने रोटी उठाने वाला वगैरह, वो भी पकड़े उसको इधर से उधर से पलटते रहते हैं, घुसते रहते हैं, जैसे रोटी आप पकाते हो वैसे पकाएंगे वो, निष्कुशंति ये कर आर पार करते हैं लोग के सलाकों को, यस्त्यहवा अगम्याम स्त्रियम अगम्याम वा पुरुषम योषित गच्छति तौ अमूत्र कषया ताड़यंतस् तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषं मालिंगयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या। यस्त्वच अगम्याम स्त्रियं, जो पुरुष अगम्य स्त्री का गमन करता है और जो स्त्री अगम्य पुरुष का गमन करती है, पुरुषं वा योषितवि अगम्यं वा पुरुषं योषितवि गच्छति तौ उभौ, उन दोनों प्रकार स्त्री पुरुषों को अमूत्र इस लोक में कषया ताड़यंत तिग्मया सूर्म्या, बड़े कषया मने चाबुक, चाबुक होता है चाबुक वगैरह से मारते हुए जो है पीटते हुए, ताड़यंत तिग्मया सूर्म्या जो तीक्ष्ण है वो महातीक्ष्ण चाबुक है उससे पीटते हैं, और लोहमया मूर्ति बनी हुई है स्त्री के लिए, लोहमय पुरुष, और अभी कैसा लोहमय पुरुष, आग लाल जल रहा है वो, उसको स्त्री से आलिंगन कराते, और इस तरह से नंगनी स्त्री लोहमय स्त्री का मूर्ति होता है उसको आग से तपा हुआ है, पुरुष को कहेंगे उसको जबरदस्ती उसे आलिंगन कराएंगे, तो भोग करना चाहता है अगम्य स्त्री का भोग किया, अब करो इसके साथ भी तुम भोग, इसलिए पुरुष स्त्री को भी जो आगे में पुरुष के साथ भोग किया है चलो इस पुरुष के साथ अब तुम भोग कर लो जितना करना है, जबरदस्ती उसे कराते छोड़ते नहीं, ये कर दिया तिग्मया सूर्म्या
सब अगम्य मैंने अगम्य सब ले लिया, जात पात परस्त्री वगैरह सवर्ण में भी, मान लो शादी हो रखा है एक का एक भाई का दूसरे भाई का पत्नी है और दूसरे भाई का पत्नी से मौज कर दी, गलत है ना ये सब, अगम्य स्त्री है ना वो भी, चाहे सवर्ण हो विवर्ण हो रजस्वला हो अरे जो भी अगम्य का लक्षण जितनी भी है उस तरह की स्त्री के संबंध करना दुष्ट है। एकमात्र स्वपत्री के सिवा बाकी सारी स्त्रियां अगम्य ही होती हैं। एक स्थल आपको विशेष दिया था वामदेव स्वामी के उपासक, उससे भी क्या है वो स्त्री स्वेच्छा पूर्वक आती है तो नहीं आप स्वयं जब से चले जाओ ऐसा ही स्वयं आ रही है तब उस व्यक्ति को छूट है पर स्त्री का गमन करने का और किसी को भी नहीं। इसलिए अगम्य स्त्री कर दिया, अगम्य पुरुष कर दिया, स्त्री को भी क्या स्वपति के सलावा बाकी सब पुरुष अगम्य पुरुष है। ऐसे के संबंध करने वालों के दोष दे रहे उनके साथ सुरमिया लोहमैया पुरुषम आलिंगयंती स्त्रियंच, यदि स्त्रियों को भी ऐसी उस पुरुष को स्त्री के साथ आलिंगन लोह में स्त्री से और स्त्री को भी लोह में पुरुष से आलिंगन करा देते हैं। यस्य वै सर्वाभिगमस् तम अमूत्र निरये वर्तमानम वज्रकंटक शालमलीम आरोप्य निष्कर्षंती, वज्रकंटक शालमली नामक नरक में इसको डाल करके निष्कर्षंती निष्कर्ष कर देते हैं, बड़ा खैंच स्थान कर देते हैं। यस्य वै सर्वाभिगमः जो सर्वाभिगम वो अगम्य गमन कर रहा था, अगम्य सगम सर्वाभिगम कर रहा है ये और खराब आदमी है। तम अमूत्र निरये वर्तमानम इस नरक में डाल दें, कौन से नरक वज्रकंटक शालमली नामक नरक में आरोपित करके उसको बहुत पीट पाट कर देते हैं, कर्षण कर देते हैं। एक वही राजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्म सेतु बिंदुंती ते संपरित्य वैकरण्याम निपतंती भिन्न मर्यादा तस्याम निरप्रिखा भूतायाम नद्याम यादो गणैरितस्ततो भक्षमाणा आत्मना न विज्यमाना च असुभिर उह्यमानाः स्वाघेन कर्म पाक मनुस्मरन्तो विन मूत्र पूय शोणित केश नखा स्थिति अस्थि मेदो मांस वसा वाहिन्याम उपतप्यन्ते। ये तो वही राजन्या राजपुरुषवा जो राजन मनी समझ क्षत्रिय अच्छा राजपुरुष भी क्यों ना हो, राजपुरुष ब्राह्मण भी हो सकते हैं क्योंकि पहले जमाने में राजा क्या करता था अपने मंत्रिमंडल में ब्राह्मण को भी रखता था, वैश्य को भी मंत्रिमंडल में रखते थे। इधर राजपुरुष कोटि में सब आ जाएंगे, राजन कहने से केवल क्षत्रिय आए, राजन हो गया पूरे क्षत्रिय और साथ साथ राजपुरुष भी कह दिया। अगर राज संबंधी होकर शासन करने का अधिकार को प्राप्त किया हुआ जितने भी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य वो सब राजपुरुष कोटि में आ गए, वे सब अपाखंड संत यद्यपि वो सब कैसे हैं अपाखंड है फिर भी धर्म से तुन भिंदी फिर धर्म के मर्यादा को तोड़ रहे। पाखंड को अपनाया नहीं, पाखंड को अपनाया भी नहीं है लेकिन धर्म सेतु का पालन भी नहीं किया, आज उनको पाखंड नहीं कह सकते लेकिन स्वधर्म का परित्यागी जरूर है लेकिन परधर्म को ग्रहण भी नहीं किया है, पाखंड को ग्रहण भी नहीं किया है ऐसे लोग हैं। आप अखंड इसलिए विशेषण दिया है धर्म सेतु बिंदंती हुए धर्म सेतु को धर्म की मर्यादा को तोड़ दिया लेकिन ते संपरित्य वे मरने के बाद कहां जाएंगे वैतरणी नामक नदी में जाएंगे। वैतरणी नामक नदी कैसी है भिन्न मर्यादा वैसे विशेषण उनका है लेकिन कैसे वो भिन्न मर्यादा धर्म की मर्यादा का भेदन कर चुके हैं वे तस्या वैतरण्याम निरय परीक्षा भूताया। वैतरण्य नदी कैसी है विभिन्न प्रकार की जो नरक है ये नरकों की परीक्षा के समान है, चार ओर गोल में बीच विभिन्न प्रकार के नरक हैं ऐसे में चारों तरफ गिरा होता है परीक्षा के समान है। नद्याम उसमें क्या हो रहा है यादव गणित वो जलीय जो जीव जंतु है ना उसको यादव गण कहते हैं, जलीय जीव जंतु क्या है मगरमच्छ वगैरह ये खाने लगेंगे उनको यादव गणित भक्ष्यमाणा इतस्ततो हो वो इधर उधर भागने लगते हैं तैरने लगते हैं उसमें भागने लगते हैं भागते हैं तो वे छोटते थोड़ी आत्मना न विज्यमाना यानी अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पाते और पकड़ ही लेते हैं इनको खाए जाते हैं। विज्यमाना असुभिर उह्यमाना प्राणों के साथ फिर भी ये जीवित रहते मरते नहीं है वो खा रहे हैं इनको फिर भी मरेंगे नहीं है यही तो पाप स्वाघेन कर्म पाक मनुस्मरण तो अपने पाप अपने कर्मों के जो फल है उसको स्मरण करता हुआ
वह नदी की स्वरूप भी वर्णन कर रहे, कैसी है वो नदी, वैतरणी नदी, कदि बिट मूत्र पूय शोणित केश नख अस्थि मेदो मांस वसा इन सब को वहन करने वाली नदी है वो, उसमें गिरा पड़ा है। ये खाएगा भी वही गंदी चीजों को खाता है, खाके जिंदा भी रहता है, खाते भी रहता है, जीते भी रहता है और वो खाते भी रहते दूसरे इसको, ये चलते रहता है संसार, विचित्र दुर्दशा है। हाँ, जब तक कर्म है उसका है तब तक तो मरेगा नहीं, वो वैसे बने रहना पड़ेगा। ये त्यो वही वृषली पतयो नष्ट शौचाचार नियमास्त्यक्त लज्जा पशुचर्यान चरन्ते ते चापि प्रेत्य पूय विन्मूत्र श्लेषम मला पूर्णार्णवे निपतन्ति तदेव अतिविभत्सितम अश्नन्ती। आगे वो जो खाते भी और क्या मिलेगा वहां, कोई लड्डू पेड़ा थोड़े मिलना, ऐसे समुद्र में पड़े हैं उनको वही मिलना है माल पानी खाने को, शुद्ध जल भी नहीं है। एक तो वही वृषली पतयो, जो वृषली पति है पहलो नष्ट शौचाचार नियम, जिसने जो शुद्ध अशुद्ध का आचार विचार नियम को सब त्याग चुके, त्यक्त लज्जा लज्जा को भी त्याग दिया, पशुचर्याम चरंदी पशु के समान आचरण को आचरण करने वाले लोग हैं, तेजा प्रत्या मरने के बाद पशुचर्य में यही है, अन्य का बहु बेटियों को बहु अपने ही घर के अंदर भाई भाई बहन के बहुओं के साथ संबंध कर देता है, ऐसे होते पशुचर्या। अभी एक कांड हुआ अखबार में, ऐसा भल्ला मचा कि वो आदमी पत्नी को बार बार परेशान करता था, क्यों, तेरे से सुंदर तेरी बहन है, तुम अपनी बहन को ले आओ, उन्हें साली को लाओ, बताओ, पीड़ा दिया उसको अनेक प्रकार। वो कहेंगे नहीं, तुमको जो मेरे साथ कर, मेरे को आग लगा के जला दो, लेकिन मैं कभी अपने बहन को नहीं लाऊंगी। अब वो आना भी चाहती थी, घर के लोग भेजते ना जाओ अपने दीदी के पास जाके आ जाओ, वो मना करती थी मत आना इधर, एक रात के लिए भी आ गई तो समझो चौपट हो गया, ये छोड़ेंगे नहीं, सब राक्षस बैठे हुए हैं। तो ऐसे ये सब क्या है, पशुचर्या है ना, पशु तो ऐसे ही करती है, सांडे थोड़ी देखते हैं, मेरा ही पापा जाके बेटी है, मेरी बहन है, सांड कहाँ देखता है, उसी के पैदा के वो बेटी के साथ भी संबंध कर देता है, जिस माँ से वो सांड पैदा हुआ तो उसी माँ के गर्भ से पैदा दूसरी गाय के साथ भी संबंध कर देता है, बहन के साथ हुआ नहीं हुआ, यही तो पशुचर्या है, वैसे वो भी कर देते हैं। ये नहीं कि लोग मर्यादा नहीं कुछ, ऐसे कहते निर्लज्ज हैं, त्यक्त लज्जा पुष्पचर्याम चरंती ते चापि प्रत्या, मरने के बाद पूय विट मूत्र श्लेष मलापूर्णा अर्णवे, वो तो नदी में गए, ये तो समुद्र है इसका, इन्हीं के समुद्र में डूबे रहेंगे, निपदन्ति तदेव अति बीभत्सितम, यह अत्यंत घृणास्पद वस्तु है, उसी को खाते भी। यत्य वैश्वगर्धवदयो, उनके लिए दोष नहीं है, भगवान ने तो उनका रूप ही ऐसे बना रखा है, पशु योनियों में पहले बताया था ना अभी, वो तो उनका वृत्ति ऐसे बना रखी, जीविका ही का स्वरूप ऐसा है, उसके लिए दोष नहीं है, लेकिन आप तो मनुष्य है, आपको धर्म मर्यादा का ज्ञान है, आप तो उसके अनुसार चलना चाहिए, अभी पशुवत चले जाए तो पशुवादि विषय विशेषात, भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में सभी कई बार बोल चुके पशुवादि विषय विशेषात, प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर वे भी जीते रहो, और आप भी यदि उन्हीं के आधार पर जीते रहोगे, श्रुति के आधार पर, श्रुति स्मृतियों के आधार पर यदि जीवन यापन नहीं कर सकते तो पशु में और आप में कोई अंतर नहीं, इसे धर्मे नहीं ना पशु भी समान कहा, अतः ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान भी है, धर्म और ज्ञान के बिना पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है, और इसी का अभाव वर्तमान काल में दिख रहा है। ये वैश्व गर्धव पतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्ते च मृगान निघ्नन्ति तान संपरेतान लक्ष्य भूतान यम पुरुषा इशुभिर्विध्यन्ति। और जो यहां पर स्वगर्धव पतयो ब्राह्मणादयो, कुत्ते को पालने वाले, गधे को पालने वाले ब्राह्मण आदि हैं, फिर भी ऐसे जो लोग हैं वे क्या करते हैं, मृगया विहारा, और मृगया मने जो घूमते ना जंगल, क्या बोलते हैं उसको, जंगल घूमते शिकार खेलना, शिकार खेलते हैं, खेलते हैं, शिकारी होने एक अलग चीज है, शिकार खेलना एक अलग चीज है, जाति से शिकारी नहीं है, भील जात का नहीं है शिकारी बनेगा, ब्राह्मण है नहीं शौक है वो चल पड़ा शिकार खेलने, और पशुओं को मार देता है बेमतलब, नहीं क्षत्रिय को भी वहां भी सीमित है, किन पशुओं का शिकार खेलना है, इन्हें सारे पशु,
वो भी शिकार तब खेलनी है जब यज्ञ के लिए पशु लाना होगा। यज्ञार्थ पशु को लाने के लिए शिकार में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। ये भी विधि है ना, ना वैसे तो दशरथ आदि का अभिशाप इसी कारण से तो मिले हैं, मौज मस्ती में कर रहे थे, ये सब धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करते गए। और आगे बताएंगे तो उससे भी घटिया और वो है जो शिकार इसलिए खेलते हैं उसके मांस खाने के लिए, ताजा मांस खाने वाले और घटिया लोग। और आगे आ गया पुरुषा पसद उनकी वर्णन आएगा अन्य नरक में। इसे कर यहाँ कि स्व कर दो पत ब्राह्मण आदि मृगया विहारा अतीर्थिच अगेन अतीर्थिच मृगा निघ्रंती। अतीर्थि में क्या अयज्ञ स्थलीय अयज्ञ विषय तीर्थ कहते यज्ञादि स्थान विशेष, जिस देश विशेष आदि में निर्णय किया कि अमुक जगह में अमुक प्राणी को मार सकते हो अमुक कार्य के लिए, उसके अलावा उसे अतिरिक्त को मारते हैं उसे कहते अतीर्थे। नीचे दिया भी इसलिए अतीर्थे का है ना, अतीर्थे है हा वीताद अन्यत्र व्याख्या कर दी इसे वीताद अन्यत्र अतीर्थे का मतलब। टीका में टिप्पणी नहीं, टीका में ही है 23 नंबर के सामने अतीर्थ में वीताद अन्यत्र, जो वीत है वहां मारिए कोई दिक्कत नहीं, पंच पंचन का भक्षा इत्यादि आया ना मारो खाओ, नहीं उसको नहीं खाएंगे दूसरे को मार के, बकरी को मार के खाएंगे, वो गेंडा वगैरह जो गिनाया है उनको मार के खाइए, यानी जो वीत है वो उसे भिन्न को मारेंगे वो पाप हो गया। उसको अतीर्थे कह दिया, च मृगा निघ्रंती तान अपि संपरितान, ऐसे जो लोग हैं उनको मरने के बाद क्या वो लक्ष्य भूतान यम पुरुष ईश्वर विध्यन्ते, ईश्वर मैंने उन्होंने भी बाणों के द्वारा यम के पुरुष बिंदते रहते आर पार करते रहते, भाई तुम भाई आ जा तेरे भी नंबर आ गया है, तुमने बहुतों को मारा अब हम तुम्हारी मरम्मत करते। दम्भिका दम्भ यज्ञेषु पशुन विशसन्ति तान अमुष्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान निरे पतयो विशसंती। जो दम्भी लोग दम्भ यज्ञेशु, देखो यज्ञ को क्यों कर रहा है, बकरा बकरी को काट रहा है क्यों, यज्ञ के बहाने, लेकिन यज्ञ के लिए नहीं कर रहे, वो अपने खाने के लिए काट रहे हैं। जैसे आप पहाड़ों वगैरह बहुत मिलते हैं आजकल, भाई भैंसा काट रहा है ये काट रहा है दुनिया भर अपने खाने के लिए, अरे देवी प्रसन्न हो जाएगा, अरे देवी क्या प्रसन्न होगी, कौन सी अब प्रसन्न है, उधर काशी को नाश कर रही है, इधर वो नाश हो रहा है, वो नाश हो रहा है, प्रकृति का विकास खत्म शांत हुई है, प्रकृति का अपने समय करना है जो करना है चाहे तुम भैंसा चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। एक अंधविश्वास अंध परंपरा झूठी जो है, खाने अपना खाने पीने मौज, वो जितने सारे भैंसा सबके मांस कट के विदेश में पैक होकर चला जाता है, करोड़ों रुपये कमाते हैं ये सब, ट्रक में भर भर के चल जाता है, फट धंधा है, और कहने के लिए देवी की प्रसन्नता है, झूठे लोग ऐसे सबका हाथ ऊपर से नीचे तक क्या बताए। दम्भ यज्ञेशु पशुन विशसंती, पशुओं को विशसन करते हैं, तान अमुष्मिन् लोके वो लोग मरने के बाद वैशस नामक नरक लोक में जाएंगे, पतितान उन गिरेवे को निरेपतया, वो जो नरक पति लोग हैं यम पुरुष है उन्होंने क्या करते हैं यातिता बड़ी पीड़ा देख करके उनका भी विशसन करते हैं। ओम पूर्णमदः।